हिसार जिले के मसूदपुर गांव के बाद अब डाटा गांव ने लॉकडाउन के नियमों को मानने से इनकार कर दिया है। बुधवार को रोगी खाप के चबूतरे पर डाटा गांव की पंचायत हुई और पंचायत में ये फैसला लिया गया कि गांव के अंदर कोई भी बिजली कर्मचारी व पुलिस प्रशासन के आदमी को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि अन्य किसी सरकारी कर्मचारी को भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी गांव के अंदर जबरदस्ती घुसता है तो वो किसी घटना का खुद जिम्मेदार होगा। जगमंदर गांव डाटा, तो आज गांव में क्या निर्णय लिया? गांव में ये निर्णय लिया गया भाई, परसों पंचायत होगी, पूरा गांव का बच्चा बच्चा 36 बिरादरी का आदमी इकट्ठा होया था इधर। कोई बात नहीं, आप 36 बिरादरी का आदमियों ने यह फैसला लिया था भाई के गांव का एक मतलब प्रतिनिधि मंडल बना जाए, हर गांव से हर जाति से पांच पांच आदमी लिए जाएं, और उन पांच पांच आदमियों ने आज फैसला लिया कि हमें प्रशासन की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रशासन की हमें मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस हार में जो लाठीचार्ज किया गया है ये बहुत ही बर्बरतापूर्ण, औरतों को पीटा गया, बूढ़े आदमियों को पीटा गया, ये मतलब इस चीज़ से पूरा हरियाणा खपा है, और एक ही निर्णय लिया गया हमें प्रशासन की कोई भी जरूरत तो नहीं। पूरी रात को हार्ट अटैक से मौत हुई है, कोरोना का कोई केस नहीं हमारे गाँव में। अच्छा। जो इधर कोविड सेंटर बना था स्कूल के अंदर आज वो भी उठवा दिया। अच्छा। उसमें तकत ये मेरी प्रेस रही सामने। अच्छा। यहाँ से 10 तकत गए थे। अच्छा। आज हमने उसका उधर फोटो भी तरवाए, कोई पत्रकार था उसको फोटो भी खिंचवाए, उधर ताला लगा हुआ था। अच्छा। उधर न कोई डॉक्टर था न कुछ भी था। अच्छा। ये ढिंढोरा क्यों? प्रशासन पैसे बना रहा है, पैसे क्यों बना रहे हैं कोविड के चक्कर में? अगर उधर कोई मरीज दाखिल है मेरे जो कोविड सेंटर में बनाएगा मैं मान सकता हूँ, अगवाई हमारा मरीज दाखिल था, और हमें सरकारी सहयोग की जरूरत नहीं है जी। हम सरकार के लोग सैंपल करवाएंगे, अगर सैंपल नहीं करवाएंगे जी कोई भी सैंपल नहीं करवाएगा, ना पुलिस प्रशासन को आने दोगे? नहीं, पुलिस प्रशासन को नहीं आने देंगे। डॉक्टर मतलब ये है, आओ पुलिस प्रशासन आओ, जो मतलब आम आदमी का काम वो करो। धक्काशाही जैसे दुकान बंद करवा दी, लोगों का खेत में जरिया चलान काट दिया, ये कौन सी तानाशाही है? और शादी वगैरह और जो शादियों का फैसला लिया गया जी, खूब शादी करेंगे, जितनी होंगी वो शादी करेंगे, कोई लोगों की कम लोग नहीं, नहीं कुछ भी नहीं मानेंगे, सब कुछ मानने का। मैं तो जो पंचायत का भाईचारे की पंचायत का वो फैसला बता रहा हूँ। तो आज हुई है गाँव में पंचायत, परसों फैसला लिया गया था भाई, हर जाति से हर बिरादरी से हर मोहल्ले से एक पांच पांच आदमी लिए जाऊंगे, और वो परसों निर्णय लेंगे, वो आज हमने निर्णय ले लिया। गांव में आज 36 बिरादरी की पंचायत हुई है, और उसमें ये फैसला लिया कि गांव ऐसे योग आंदोलन चलाएगा, जो इशार किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है उसके विरोध में फैसला लिया गया। गाँव में कोविड-19 का एक सेंटर बनाया गया था, जो एक पैसे लूटने के लिए या एक लूट मचाने के लिए ही बना रखा था। गांव के तकत थे, गांव की दरी थी, उसके अंदर ना तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर था, MBBS डॉक्टर नहीं था, केवल आशा वर्कर को लगा रखा था, जो कि एक हम कह सकते हैं कि मरीजों को मारने का स्थान बना रखा था। इससे बड़ी मैं कोई बात नहीं कह सकता, क्योंकि कोई बगैर सुविधा के कोविड सेंटर कैसे बनता है? और खट्टर साहब ने पिछले तीन दिन पहले जो इशार में उद्घाटन किया था, जिंदल के जो 500 बेडों का हॉस्पिटल बना गया था, आज मैंने न्यूज़ पढ़ी है उसके अंदर एक डॉक्टर भी नहीं है। तो मात्र एक रिबन काटने के लिए देश का मुखिया कैसे लोगों को मार सकता है? ये बहुत गहरी बात है और चिंता का विषय है कि हमारे मुखिया ही कोविड-19 का विरोध कर रहे हैं, लोगों को 2000 व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा करते हैं और फिर एक रिबन काट के उसके अंदर सुविधा नहीं देते। ये एक संबंध से परे की बात हो गई है। क्या लगता है कि कोरोना कोई बीमारी है नहीं है? क्या सर, कोरोना बीमारी है, हम उसका पालन करें वो बाद की बात है, लेकिन एक कोविड-19 के ऊपर एक भारी लूट जो मचा रखी है गांव के अंदर, आपको मैं दिखा सकता हूँ कि पिछले 15 दिन से हम सहन कर रहे हैं कि गाँव में एक मजदूर का 500 रुपये का चलान, जिसके खाने के लिए दाने नहीं है, उसको 500 रुपये कैसे वो कर सकता है? रास्ते में जाते हुए मैस, अगर कोई मैस को पानी पिलाने के लिए जा रहा है तो उसका भी चलान कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से हम सहन कर रहे हैं। कुछ लोगों को मान लो अगर कोरोना या कोई बुखार होता है तो सरकारी सहायता लेंगे, ग्रामीण क्या करेंगे? सर हमने बता दिया, हम ऐसे योग आंदोलन चला रहे हैं और एक बेबस होकर चला रहे हैं, क्योंकि हमने मरना तो है ही, तो हम क्यों ना हम खुद ही की मौत मर लें, किसी के बैग में पैक होके तो ना जाएं, ताकि घर वाले अंतिम संस्कार तो कर सके। सैंपलिंग वगैरह करवा नहीं करवाने देंगे आप?
हम गांव का पूरा मेरा फैसला नहीं है, पूरे गांव का। दो दिन पहले भी पंचायत हुई है और आज भी पंचायत हुई है। गांव के जो मुखिया आदमी थे उन्होंने मिलके फैसला लिया। वहां पे गांव के मौजूद व्यक्ति भी थे और उन्होंने ये फैसला लिया कि हम कोई भी प्रशासनिक आदमी या कर्मचारी को गांव में नहीं घुसने देंगे। अगर गांव में कोई स्थिति ऐसी आती है, लोगों को ज्यादा बुखार हो जाता है, उस तो गांव ने क्या तैयारी की है उससे निपटने के लिए? गांव में तो सर पहली बात तो ये कि हम किसान मजदूर है, COVID-19 का हमारा कोई संबंध नहीं है बहुत दूर तक, क्योंकि हम यहीं रहते हैं जब से हम शहर में नहीं जाते हैं। तो शहर के लोगों को गाँव में आने दोगे आप? सर हम गांव में ठीकरी पहरा लगाएंगे, अगर ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो हम अपना इंतजाम खुद करेंगे। सरकार ने हमारे लिए किया क्या? गांव मतलब शहर से जो लोग आते हैं कोई उनके रोक लगाओगे क्या? आप जैसे मजदूपुर गांव में कल कहा था कि शहर से लोगों को आने नहीं देंगे गांव। सर वो 15 दिनों तक वो अगर हमने जरूरत पड़ी, जैसे हम सावधानी बरत रहे हैं सर, हमको भी लगता है, लेकिन ये कोरोना नाम पे जो लूट मची हुई ना उसको खत्म करना चाहते हैं। अब कोविड सेंटर गांव में आपको बताया, उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ कुछ है ही नहीं, मात्र एक गांव के ही बेड, गांव की दरी कोविड सेंटर बना दिया, एक लूट की दुकान बनाई हुई है। मतलब आप अपने स्तर पे हम अपने स्तर पे लिफ्टिंग, हमें क्या सुविधा दी है सर? अब कोविड सेंटर का एक नाम करके लूट ही मचा रहे। फैसला लेने के बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हुई हो गांव की या कुछ? सर मेरी तो कोई प्रशासनिक अधिकारी से कोई बात नहीं हुई। सरपंच साहब की अगर कोई बात हुई हो तो अब फोन आया हो तो बाद में उसका हम कुछ कह नहीं सकते। हिसार में किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के विरुद्ध में सभी ग्रामवासियों ने गांव में असहयोग आंदोलन चलाने का भी फैसला लिया, जिसके तहत गांव डाटा सरकार से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं लेगा। गांव के 36 बिरादरी ने ये फैसला लिया। गौरतलब है कि बीते रविवार पुलिस और किसानों के बीच हुई झड़प में किसान और पुलिस के जवान घायल हुए थे। CM के कार्यक्रम में भीड़ ज्यादा थी और किसानों ने इस बात का भी विरोध किया। इसके बाद मसूदपुर के ग्रामीणों ने लॉकडाउन के नियमों को मानने से इनकार कर दिया। इस मौके पर गांव के सभी गणमान्य व मौजूद व्यक्ति उपस्थित थे। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।